एपिसोड के स्टार्टिंग में लूसी एल्बाजन और उसके दोस्तों को बोल रहा होता है, मैं उन लोगों को हील कर देता हूँ। जिसके बाद वो सभी एक गली में जाते हैं, जिसके बाद वो एक लड़की को हील करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा नर्वस होता है। इस वजह से वो उस लड़की को हील तो नहीं कर पाती, उसके अलावा उसके 5 MP भी खत्म हो जाता है, जो देख कर बजन गुस्सा होकर उससे बोलता है कि आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो। फिर लूसियल शांत हो जाता है और सभी लोगों को एक एक करके हील करने लगता है, लेकिन अंत तक आते आते उसका सारा MP खत्म हो जाता है, जिसके वजह से वो वहाँ पर ही बेहोश हो जाता है और इसी दौरान वो एक पर्सन को ठीक से हील भी नहीं कर पाता। देन अगले सीन में हम लूसियल को देख पाते हैं, जो कि अपने कमरे में बहुत ज्यादा उदास होकर बैठा हुआ होता है और वो काफी ज्यादा रिग्रेट कर रहा होता है क्योंकि उसने एक पर्सन को नहीं बचा पाया, लेकिन फिर भी बजन ने उसको शुक्रिया बोला। और लूसियल ये भी डिसाइड करता है कि वो और भी ज्यादा स्ट्रांग बनेगा ताकि वो बहुत सारे लोगों को हील कर पाए। अब अगले दिन सुबह लूसियल एक एडवेंचरर गिल्ड में जाता है, फिर वो जब एक गिल्ड के रिसेप्शनिस्ट को देखती है तो वहाँ पर तो एक रैबिट लड़की होती है, जिसे देखकर लूसियल काफी ज्यादा खुश होता है। फिर वो उस लड़की से बोलता है, मैं इस गिल्ड में रजिस्टर करना चाहता हूँ, जो सुनकर वो लड़की उसको एक फॉर्म देती है और लूसियल भी उस फॉर्म को फिलअप करके गिल्ड में रजिस्टर हो जाता है। फिर वो रिसेप्शनिस्ट लूसियल को ये भी बताती है कि तुम अभी एक H रैंक के एडवेंचरर हो, लेकिन तुम मिशन को कम्प्लीट करके अपने रैंक को भी बढ़ा सकते हो। तभी लूसियल उस रिसेप्शनिस्ट से पूछता है, क्या एडवेंचरर गिल्ड में कभी किसी को हील करना के भी क्वेस्ट आता है? और ये सुनने के बाद तो वो लड़की थोड़ा सा हैरान हो जाती है। तो फिर लूसियल बोलने लगता है, आखिरकार मैं एक हीलर हूँ और मैं चाहता हूँ कि एडवेंचरर के दौरान अगर किसी एडवेंचरर को चोट लग जाए तो वो इस गिल्ड में आकर खुद को हील कर सकता है, और मैं यहाँ पर अपनी हीलिंग के पेमेंट को गिल्ड के ट्रेनिंग फीस के तौर पर दे सकता हूँ। तो क्या गिल्ड में ऐसा कोई पर्सन है जो कि मुझे ट्रेनिंग दे सकता हो? ये सब सुनकर वो लड़की थोड़ी देर सोचती है और फिर वो लूसियल को बोलती है, तुम यहाँ पर थोड़ी देर इंतजार करो, और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर लूसियल वहाँ पर सोचने लगता है कि मेरे पास तो मॉन्स्टर लक है, इसलिए शायद मुझे कोई अच्छा सा पावरफुल ट्रेनर मिलेगा। अब अगली पल हम देख पाते हैं कि वो रिसेप्शनिस्ट एक पर्सन को वहाँ पर लेकर आती है, और उस पर्सन को देखकर तो लूसियल बहुत ज्यादा डर जाता है, लेकिन वो खुद को शांत करते हुए उस पर्सन को बोलता है, मेरा नाम लूसियल है और आप क्या मुझे कुछ मार्शल आर्ट टेक्निक को सिखा सकते हो? जो सुनने के बाद वो पर्सन पूछने लगता है, तुम तो एक हीलर हो, तुम मार्शल आर्ट टेक्निक सीख कर क्या ही करोगे, क्योंकि तुम तो लोगों को हील करके भी काफी सारे पैसे कमा सकते हो। लूसियल बोलता है कि नहीं, मैं यहाँ पर मार्शल आर्ट सेल्फ डिफेंस के लिए सीखना चाहता हूँ। और ये सब सुनकर वो पर्सन भी तैयार हो जाता है और वो बोलता है, ठीक है, मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें रोज ट्रेनिंग देने का 1 सिल्वर कॉइन लूंगा, तो फिर तुम मुझे बताओ आखिरकार तुम कब से ट्रेनिंग शुरू करना चाहते हो? जवाब में लूसियल बोलता है, आज से 6 दिन के बाद मैं आपके साथ ट्रेनिंग करने के लिए आऊंगा। फिर वो पर्सन और रिसेप्शनिस्ट को बोलती है, नानाइला तुम एग्रीमेंट का जल्दी से तैयार कर देना। जिसके बाद नानाइला लूसियल को अपना इंट्रोडक्शन बहुत ही प्यारे तरीके से देती है और ये देखकर लूसियल भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन तभी पीछे से कुछ एडवेंचरर लूसियल के ऊपर गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि नानाइला उसके साथ बहुत ही प्यारे तरीके से बात कर रही थी, लेकिन वो जो पर्सन है वो उन सभी को डरा कर वहाँ से भगा देता है और वो बोलता है, मैं इस गिल्ड का चीफ इंस्ट्रक्टर हूँ, और ये बोलते हुए वो वहाँ से चला जाता है। देन अगले सीन में लूसियल रूम में बैठकर सोच रहा होता है, यहाँ पर तो मैं हील स्पेल को कास्ट करना सीख गया, लेकिन मेरी MP यहाँ पर काफी ज्यादा कम है और मैजिक पावर रिकवर करने में भी मुझे काफी ज्यादा समय भी लगता है, तो इसके लिए मुझे जल्द से जल्द कुछ करना होगा। और ये सब कुछ वो सोच ही रहा होता है कि तभी मोनिका उसके लिए खाना लेकर आती है। फिर खाने के पास बैठकर लूसियल मोनिका को बता रहा होता है कि आज से 6 दिन के बाद मैं ट्रेनिंग रूम से बाहर निकालूंगा और फिर ट्रेनिंग करने के लिए गिल्ड हाउस में जाऊंगा, जो सुनने के बाद मोनिका उसको ऑल द बेस्ट भी बोलती है। तभी लूसियल बोलने लगता है, तो मुझे पहले किस लेवल के लिए एम करना चाहिए? तभी मोनिका बोलने लगती है, अगर तुम 5 साल के अंदर तुम 5 लेवल पर पहुंच गए तो तुम इस टाउन का सबसे टैलेंटेड पर्सन बन जाओगे। तो लूसियल बोलता है, तो मुझे हर 1 साल में 1 लेवल को कंप्लीट करना होगा और ये तो बहुत ज्यादा मुश्किल भी लग रहा है। तो फिर मोनिका बोलने लगती है, अगर तुम 20 H के अंदर 5 लेवल तक पहुंच गए तो तुम मुझे डेट के लिए पूछ सकते हो। जो सुनने के बाद लूसियल काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, लेकिन उसके अंदर तो एक अलग ही जोश आ जाता है और बहुत ही ज्यादा मोटिवेट हो जाता है। फिर 6 दिन तक लगातार लूसियल अपने ट्रेनिंग रूम में प्रैक्टिस करता है। इसके बाद 6 दिन के बाद वो अपने कमरे से बाहर निकलता है और कुरुरु को थैंक्स बोलता है, क्योंकि यहाँ पर कुरुरु और मोनिका ने लूसियल की काफी ज्यादा मदद किया है। वहीं पर कुरुरु भी लूसियल को देखकर काफी ज्यादा खुश होती है, क्योंकि लूसियल बहुत ही कम समय में बहुत कुछ सीख गया है और वो उसके आगे के जर्नी के लिए भी उसको ऑल द बेस्ट बोलती है। इसके बाद लूसियल उन सभी को बाय बोलकर वहाँ से जाने लगता है। अब अगली पल लूसियल गिल्ड में पहुंच भी जाता है। फिर वो सीधा रिसेप्शन के पास जाती है, जहाँ पर वो देखती है वहाँ पर तो एक नई लड़की है, और उस नई लड़की को देखकर लूसियल अपने मन में बोल रहा होता है, इस दुनिया में तो सभी लड़कियां बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। जिसके बाद वो उस लड़की से ट्रेनिंग ग्राउंड के बारे में पूछती है, जो सुनने के बाद वो लड़की उसको एक रास्ता दिखाती है। फिर लूसियल सीढ़ियों से नीचे होते हुए ट्रेनिंग ग्राउंड में पहुंच जाता है। वहां पर जाकर वो काफी ज्यादा शॉक होता है, क्योंकि वो जो ट्रेनिंग रूम था वो काफी ज्यादा बड़ा था। तभी उस जगह लूसियल का ट्रेनर भी आ जाता है और वो बोलता है, मेरा नाम ब्रॉड है, तो तुम ट्रेनिंग के लिए तैयार हो? जिसके बाद ब्रॉड लूसियल को बोलता है, अब
तुम ट्रेनिंग ग्राउंड के फुल स्पीड से रन करना शुरू करो। और इसके अगले ही पल लूसियल अपनी पूरी ताकत लगाकर ग्राउंड के चारों तरफ भागने लगता है, लेकिन कुछ ही समय भागने के बाद वो थक कर नीचे गिर जाता है, जो देखकर ब्रॉड बोलता है, तो तुम्हें इतने में ही तुम्हारी हालत खराब हो गई। इसके बाद ब्रॉड लूसियल को स्ट्रेचिंग करवा रहा होता है, जिसके वजह से वो लूसियल के ऊपर ही बैठ जाता है और लूसियल को इतना ज्यादा दर्द होता है कि वो बहुत ही जोर से चीखता है और ये चीख गिल के बाकी लोग भी सुनकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। देन अगले सीन में ब्रॉड लूसियल को बोलता है, तुम्हारे पास अभी जितनी भी टेक्निक्स है उस टेक्निक के साथ तुम्हें मुझे फुल पावर के साथ हीट करना है। ये सुनने के बाद ही लूसियल ब्रॉड को बहुत ही ज्यादा मारने की कोशिश करता है, लेकिन ब्रॉड उसके हर एक बार को बहुत ही ज्यादा आसानी से डॉच करके उसको एक थप्पड़ लगा देता है और ये थप्पड़ बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, जिससे कि लूसियल नीचे ही गिर जाता है। फिर ब्रॉड बोलने लगता है, तुम्हारे पास कोई भी फाइटिंग स्किल नहीं है और ना ही तुम्हारे पास कोई स्टेमिना है, इसलिए मुझे तुम्हें स्टार्टिंग से सब कुछ सिखाना पड़ेगा। अब अगली पल ब्रॉड और लूसियल वहाँ पर काफी ज्यादा ट्रेनिंग करने लगते है, लेकिन कुछ देर बाद लूसियल फिर से थक जाता है। ये देखकर ब्रॉड बोलने लगता है, लगता है तुम बहुत ज्यादा थक गए हो, इसलिए तुम थोड़ी देर रेस्ट कर लो, फिर सेकेंड राउंड हम फिर से स्टार्ट करेंगे। और ये सुनकर तो लूसियल बहुत ज्यादा डर जाता है और वो बोलता है, क्या सेकेंड राउंड? अब अगली पर हम देख पाते हैं कि सेकेंड राउंड के बाद लूसियल की हालत तो और भी ज्यादा बुरी होती है। ब्रॉड बोलने लगता है आज तुम बहुत ज्यादा थक गए हो, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। लूसियल बोलता है, क्या मैं अपने आप को हीलिंग स्पेल की मदद से ठीक कर लूं? जिसमें ब्रॉड बोलने लगता है, तुम ऐसा कभी भी मत करना, तुम्हें अपने आप को जितना हो सके उतना नेचुरल हीलिंग से हील करना है। समय के साथ साथ तुम्हारी इंजरीज अपने आप ही हील होगी, क्योंकि अगर तुम अपने छोटे छोटे इंजरीज को अपने हीलिंग स्पेल की मदद से हील करोगे, तो अगर तुम्हें कोई बड़ी इंजरी हो गई तो उसको ठीक होने में काफी ज्यादा समय भी लग सकता है और तुम्हारा एमपी भी पूरी तरीके से खत्म हो सकता है। ये सब सुनकर लूसियल काफी ज्यादा खुश होता है और वो बोलता है, आप तो बहुत ज्यादा अच्छे टीचर हो, लेकिन हमारे अलावा और कोई आपका स्टूडेंट क्यों नहीं है? जिसमें ब्रॉड बोलता है, क्योंकि हमारे गिल में ज्यादा लो लेवल के एडवेंचरर्स नहीं है और इसके अलावा भी उनके पास ज्यादा पैसे भी नहीं होते कि हम लोग किसी को ट्रेन कर सके। फिर लूसियल बोलने लगता है, मैं अपने आप को ट्रेनिंग करके और भी ज्यादा स्ट्रांग बनाना चाहता हूँ, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को हील कर सकूँ और उनको बचा पाऊँ। और ये सुनने के बाद जो ब्रॉड है वो काफी ज्यादा शॉक्ड होता है और अपने मन में बोल रहा होता है, लूसियल एक अच्छा लड़का है, वो इस हालत में भी दूसरों के बारे में सोच रहा है। जिसके बाद वो लोग ऐसे ही बात कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर कुछ एडवेंचरर्स आते हैं और उनको काफी ज्यादा चोटें लगी हुई होती है और वो बोलते हैं, हमने सुना है कि यहाँ पर फ्री में हील करा जाएगा। तभी साइड से वो लड़की बोलती है, मुझे तो ये एक स्कैम लग रहा है। और उन एडवेंचरर्स को देखकर लूसियल काफी ज्यादा शॉक्ड होकर उनके पास आ जाता है और वो बोलता है, मैं तुम लोगों को हील कर देता हूँ। जिसके बाद वो अपने हीलिंग स्पेल की मदद से उस लड़की की चोट को ठीक कर देता है और ये देखने के बाद वो सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। फिर लूसियल पूछता है, क्या कोई और को भी चोट लगी है? तो फिर बाकी लोग भी बोलते हैं कि हाँ, हमें भी हील करो, हमें भी चोट लगी है। अब अगली पल हम देख पाते हैं कि लूसियल ने सभी को हील कर दिया है और वो लोग वहाँ से जा रहे होते हैं और लूसियल भी काफी ज्यादा खुश होता है, क्योंकि उसने सभी को हील कर पाया है। और लूसियल ब्रॉड को ये भी बता रहा होता है, यहाँ पर मैं सिर्फ 8 बार ही हीलिंग स्पेल को यूज कर सकता हूँ। जो सुनकर ब्रॉड बोलने लगता है, तुम्हें और भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ताकि तुम अपने एमपी को बढ़ा सको और इसके वजह से तुम और भी ज्यादा बार हील कर पाओ। और ब्रॉड ये भी बोलता है, आज के ट्रेनिंग के बाद मैं समझ गया हूँ कि तुम्हारे पास स्ट्रेंथ बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए हम कल से ट्रेनिंग को फिर से स्टार्ट करने वाले हैं। जो सुनने के बाद लूसियल थोड़ा सा शॉक्ड होकर बोलता है, क्या अभी भी असली ट्रेनिंग शुरू नहीं हुई है? इसके बाद लूसियल बहुत ज्यादा जोश में आकर बोलता है, मुझे और भी ज्यादा ट्रेनिंग करना पड़ेगा ताकि मैं और भी ज्यादा स्ट्रांग बन पाऊँ। ये सब सुनकर ब्रॉड बोलने लगता है, लूसियल तुम्हारे पास काफी ज्यादा टैलेंट है और तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा गट्स भी है, तो मेरे तरफ से तुम्हारे लिए एक ऑफर है, तुम आज से गिल में ही रहना शुरू कर दो और गिल में ही ट्रेनिंग करो। जिसमें लूसियल बोलता है, लेकिन मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं गिल्ड में रह सकूं। ब्रॉड बोलता है, तुम्हें पैसे देने की कोई जरूरत नहीं, बल्कि हम तुम्हें दिन का 3 टाइम का खाना भी देंगे। जो सुनने के बाद लूसियल तो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो बोलता है, मास्टर क्या आप मजाक तो नहीं कर रहे? तो फिर ब्रॉड बोलने लगता है, नहीं मैं बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहा हूँ, तुम्हें तो पता ही है आजकल हमारी टाउन की हालत काफी ज्यादा बुरी है और हीलर्स काफी ज्यादा करप्ट हो चुके हैं, जिस वजह से एडवेंचरर अपने आप को ठीक से हील नहीं कर पा रहे थे, तो मैं चाहता हूँ कि तुम यहीं पर ही रहो और ज्यादा से ज्यादा एडवेंचरर को हील करो। और ये सुनते ही लूसियल को बाजान के दोस्तों के बारे में याद आने लगता है। फिर वो बोलता है, मास्टर मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को हील करूंगा। और ये सुनने के बाद ब्रॉड बोलता है, अगर हमारे इलाके में तुम्हारे जैसे और भी सारे हीलर्स होते तो हमारे इस टाउन की हालत और भी ज्यादा अच्छा होता। और यहीं पर ही हमारा एपिसोड 2 खत्म हो जाता है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।